हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पॉइंट का नाम है C4 साइकिल। इस C4 साइकिल से पहले हमने डिस्कस किया था C3 साइकिल। ओके, आप सभी को पता है कि C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे ये तीनों डार्क रिएक्शन की थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, डार्क रिएक्शन क्या होती है? डार्क रिएक्शन इसे हम बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं और इस डार्क रिएक्शन में आपको पता है कि इस डार्क रिएक्शन में अगर पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये तीन कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है तो उसे हम C3 साइकिल कहते हैं। ओके, और जिस डार्क रिएक्शन में 4 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम C4 साइकिल कहते हैं। और कैम पाथवे जो है ये अलग से एक पाथवे है जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट में स्टडी की जाती है, जिसे हम C4 पाथवे के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी की जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और इस लाइट रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसे हम दैट इज एटीपी NADPHH+, जिसे आप NADPH2 भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन, ये है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। इनमें से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है। देन जो ATP और NADPH2 प्रोड्यूस होता है, इनका इस्तेमाल इस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए किया जाता है, ये हमने C3 साइकिल में स्टडी किया। ओके, आज का हमारा पॉइंट है C4 साइकिल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस एज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट देयर आर टू डिफरेंट साइकिल्स, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। C3 साइकिल किसे कहेंगे? जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ये 3 कार्बन कंटेनिंग 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या आप इसे फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हो। और जिस डार्क रिएक्शन में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसिडिक एसिड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं C4 साइकिल। ठीक है, इसे याद रखना है आपने। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है C4 साइकिल। इस C4 साइकिल कंप्लीट होते होते आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस C4 साइकिल को। सो व्हाट इज मीन बाय C4 साइकिल? C4 साइकिल द बायोकेमिकल साइकिल, ओके, द डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ डार्क रिएक्शन इन विच द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज द 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसे हम कहते हैं C4 साइकिल। ओके, इस C4 साइकिल जो है इसे कई सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता चल चुका है कि C4 साइकिल ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, वो अगर 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, अगर ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो उसे हम C4 साइकिल कहें। ठीक है, देन इस C4 साइकिल को और 2-3 नाम है, जैसे कि इसे HSK पाथवे भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज HSK पाथवे। अब HSK पाथवे या फिर इसे HS पाथवे भी कहा गया है। ओके,
ये जो है HS के पाथवे, ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले शुगरकेन इस प्लांट में, शुगरकेन जिसे हम सैक्रम ऑफिसिलारम कहते हैं, ओके, और ये C4 प्लांट है, सबसे पहले शुगरकेन इस प्लांट में, दैट इज कोड सैक, कोड सैक इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहला प्रोडक्ट जो होता है डार्क रिएक्शन का वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं था, वो ऑक्सैलो एसिटिक था, ओके। फिर इनके बाद, साथ ही साथ इनके साइमल्टेनियस और इनके बाद हैच और स्लैक, इन्होंने इस C4 साइकिल में जो डिफरेंट तरह के जो इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं, उन सभी इंटरमीडिएट्स को C14 रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल करते हुए, C14 CO2 का इस्तेमाल करते हुए इस C4 साइकिल के सभी इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई किया, ओके। इसीलिए C4 साइकिल को अगर हम HS पाथवे भी कहते हैं या HS साइकिल भी कहते हैं तो वो भी सही है। इज दैट क्लियर? सो इसे HS के पाथवे क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले, इसके डिफरेंट इंटरमीडिएट की स्टडी करने वाले इन साइंटिस्ट के जो फर्स्ट लेटर है वो यहां पर दिए गए हैं, HS के पाथवे, H फॉर हैच, S फॉर स्लैग, K फॉर कोडशैक, ठीक है। इस C4 साइकिल को एक और नाम दिया जाता है, आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। इसे और एक नाम दिया जाता है, इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन कहा जाता है, कोऑपरेटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या चीज है? इस C4 साइकिल में कोऑपरेशन होता है, ओके। इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस C4 साइकिल में दो डिफरेंट तरह के जो सेल है, उन दो डिफरेंट तरह के सेल में ये C4 साइकिल कंप्लीट होती है, और ये दो डिफरेंट तरह के सेल आगे हम स्टडी करने वाले हैं, वो कौन से हैं? वो है, दैट इज द मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ओके, MSC और BSC ऐसे हम उसे कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में आगे जाकर, ठीक है। तो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इन दोनों के कोऑपरेशन से ये C4 साइकिल कंप्लीट होती है, इसीलिए इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या कोऑपरेटिव डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, ओके? तो इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है कि दो डिफरेंट सेल में ये रिएक्शन होती है। C3 साइकिल की जो रिएक्शन है वो सिंगल सेल में कंप्लीट होती है, कैम पाथवे की जो रिएक्शन होती है वो भी सिंगल सेल में कंप्लीट होती है, मगर C4 साइकिल जो है, इस C4 साइकिल की जो रिएक्शन है वो बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल, इन दोनों के कोऑपरेशन के द्वारा कंप्लीट की जाती है, ओके। देन आगे जाकर आप देखोगे कि मेसोफिल सेल में C4 साइकिल कंप्लीट होती है और बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल कंप्लीट की जाती है। ये क्यों होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इसे और एक नाम दिया जाता है, दिस C4 साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज CCM. अब CCM क्या है? CCM का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ओके? हमने जब C3 प्लांट स्टडी किया था, उस C3 प्लांट में हमने देखा, जो C3 प्लांट जो होते हैं, उन C3 प्लांट्स में जो रुबिस्को एंजाइम होता है, वो रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, C3 साइकिल जो है वो फोटो रेस्पिरेशन में तब्दील हो जाती है, ओके, इजंट इट, इजंट इट। मगर ऐसा यहां नहीं होता, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की रिएक्शन की जाती है, उसे हम CCM कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, ओके। ये मैकेनिज्म कहां काम करती है?
यहां पर जो बंडल शीट सेल है, इस बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ये हाई किया जाता है, ये बहुत सारा बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि C3 साइकिल कंप्लीट करने वाला जो एंजाइम है उसे कोई दिक्कत ना हो, ओके, उसे ऑक्सीजन से कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो यहां ऑक्सीजन होता ही नहीं, आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक, इजंट इट। तो इस बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाली रिएक्शन की जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये था, दैट इज द C4 साइकिल का जो बैकग्राउंड, इजंट इट, इसे अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है C3 साइकिल जो है वो C3 प्लांट में कंप्लीट होता है, और C4 साइकिल जो है ये C4 प्लांट में कंप्लीट। अब ये C4 प्लांट क्या होते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स, ओके, C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स, ओके। जिस प्लांट में C4 साइकिल डार्क रिएक्शन के तौर पर C4 साइकिल परफॉर्म की जाती है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं C4 प्लांट्स, ओके, C4 प्लांट्स, ठीक है। अब ये कौन से प्लांट हैं, ये कहां पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारे पॉइंट इस C4 प्लांट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देते हैं, इजंट इट। कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट इज हायर देन C3 प्लांट, ये क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि C4 प्लांट जो होते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। C4 प्लांट हम किसे कहेंगे, जिन प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के समय पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, उसे हम कहते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट यानी क्या, जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये 4 कार्बन वाला होगा और वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट, अब ये जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो उस प्लांट को हम C4 प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो ये C4 प्लांट कहां पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, कैसी जगह पाए जाते हैं? सो दीज C4 प्लांट दे फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, ऐसी जगह पर C4 प्लांट पाए जाते हैं, ओके, इजंट इट। इवोल्यूशन के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के प्लांट ग्रुप का जो है वो इवोल्यूशन हुआ, इजंट इट। कैसे, कुछ प्लांट जो है वो डार्क रिएक्शन के लिए C3 प्लांट को मीन C3 साइकिल के लिए वो एडप्ट हो गए थे, कुछ प्लांट जो है जो हॉट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, जहां पर पानी की कमी होती है, ऐसे प्लांट उन्होंने C4 साइकिल को अपनाया, उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं, ओके। तो C4 प्लांट कहां पाए जाते हैं, जहां टेम्परेचर हाई है वहां पर C4 प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं इस तरह के प्लांट, ओके। दूसरा पॉइंट देखिए, हम C4 प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड वन, दे कैन परफॉर्म देयर डार्क रिएक्शन, ओके, एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर ओके मींस 30-45 डिग्री सेल्सियस पर भी ये प्लांट डार्क रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। मगर जो C3 साइकिल होते हैं उस C3 साइकिल में जो डार्क रिएक्शन जो होती है वो इस 30 डिग्री सेल्सियस से भी लो टेम्परेचर पे की जाती है, और C3 प्लांट ये टेम्परेट प्लांट है, जनरली वो टेम्परेट प्लांट है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो C4 प्लांट क्यों इवॉल्व हुए, जो हाई टेम्परेचर पर भी डार्क रिएक्शन कर सके, जो ट्रॉपिकल रीजन जहां का टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल कम है, ऐसे जगह पर जो ग्रो हो सके, ऐसे प्लांट C4 साइकिल को अपनाते हैं, ओके, ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये सारी चीजें हुई है। देन अगला पॉइंट, एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट है जो सभी C3 प्लांट C4 प्लांट में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी, और इस क्रैंज एनाटॉमी पर कई बार
एमसीक्यू पूछे गए हैं, क्रांस एनाटॉमी पर कई बार एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है, इसे आपने गौर से देखना है। अभी हम C4 प्लांट्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द क्रांस एनाटॉमी, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रांस एनाटॉमी क्या होती है उसे हम डिस्कस करेंगे, ओके। C4 प्लांट को कैसे पहचानेंगे, ओके। अगर हमें C3 प्लांट्स और C4 प्लांट, इन दो प्लांट्स के अगर लीफ दिए गए तो इस लीफ के एनाटॉमिकल सेक्शन को, इन लीफ का वर्टिकल, वी कैन से द ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर, ओके, उस लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर हम बता सकते हैं कि वो प्लांट C3 होगा या C4 होगा, ठीक है। तो C3 प्लांट अगर आप देखोगे तो C3 प्लांट जो होते हैं उनमें जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो पार्ट है, देखिए, ओके, स्टोमेटा, अपर एपिडर्मिस जो पार्ट है, इस अपर एपिडर्मल पार्ट पर आपको कॉम्पैक्टली अरेंज इस तरह के पैलिसाइड सेल्स नजर आएंगे, ओके, पैलिसाइड सेल्स नजर आएंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसाइड सेल्स। देन उसके बाद आपको लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नजर आएंगे, दिस वन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस वन इज द स्टोमेटा, ये है मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू में दिस वन इज दैट इज द पैलिसैड मेसोफिल टिश्यू, एंड इसे हम कहेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके। तो ये C3 प्लांट का सेक्शन होगा, C3 प्लांट्स का ये सेक्शन होगा, ओके। C3 प्लांट में हमें इस तरह से मेसोफिल टिश्यू, ये मेसोफिल टिश्यू है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और इन दोनों के बीच में जो मेसोफिल सेल्स है, ओके, दैट इज कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसाइड मेसोफिल टिश्यू एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऐसे अरेंजमेंट अगर होगी किसी लीफ में, किसी लीफ का अगर हम सेक्शन लेते हैं, एनाटॉमिकल सेक्शन लेते हैं, तब उस सेक्शन में अगर हमें इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसाइड्स और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिखाई देंगे तो वो कौन से लीफ होंगे, वो C3 प्लांट के लीफ होंगे, ठीक है। देन अगर यही सेक्शन, ओके, अगर ऐसा ही सेक्शन हम अगर किसी C4 प्लांट का लेंगे तो C4 प्लांट में हमें किस तरह के टिश्यू नजर आते हैं, देखिए, सी, दिस वन इज अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, सेंट्रल जाइलम एंड द फ्लोएम, सराउंडेड विथ लार्ज साइज 1 to few लेयर्स ऑफ बंडल शीट सेल्स, देन कॉन्सेंट्रिकली अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मेसोफिल टिश्यू, ठीक है, देखिए दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस वन इज अपर एपिडर्मिस, हम UE लिखते हैं, अपर एपिडर्मिस, LE लोअर एपिडर्मिस, यहां पर स्टोमेटा, यहां पर स्टोमेटा, यहां पर स्टोमेटा, यहां पर स्टोमेटा, तो इस C4 प्लांट की जो लीफ होते हैं उनमें क्रांस एनाटॉमी नजर आती है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस तो नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी C4 प्लांट के लीफ को डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, ओके। यहां पर इस अरेंजमेंट ऑफ लीफ को हम कहते हैं क्रांस एनाटॉमी, देखो डिफरेंस आपके सामने नजर है, ठीक है। तो डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है।
यहां कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसाइड और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, यहां पैलिसाइड नहीं है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी नहीं है, यहां मेसोफिल टिश्यू का मॉडिफिकेशन हो गया है, ओके, दैट इज बंडल चिल सेल नाम के एक मॉडिफाइड टिश्यू में, ठीक है। तो चलो इस ग्रांस एनाटॉमी के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, जिस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इसे गौर से इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछेगा। ग्रांस एनाटॉमी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, C4 प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसे आप कहोगे ग्रांस एनाटॉमी। चलो व्हाट इज मीन बाय ग्रांस एनाटॉमी, ग्रांस एनाटॉमी क्या है, द स्पेशियल एनाटॉमिकल फीचर ऑफ C4 प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर है, ठीक है। इसमें क्या है, इस फीचर में क्या है, यहां पर द वेस्कुलर बंडल, देखिए दिस जाइलम एंड फ्लोएम, ओके, व्हाट इज दिस जाइलम एंड फ्लोएम, इसे हम वेस्कुलर बंडल कहेंगे, वेस्कुलर बंडल को हम वीबी से लिखेंगे, ठीक है। दिस वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड विद लार्ज साइज कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल, दैट इज बंडल शीथ सेल्स, जो ग्रीन कलर से हमने ड्रॉ किया है, दिस वन इज बंडल शीथ सेल, ओके। देन दिस बंडल शीथ सेल they are surrounded with concentrically arranged thin wall, compactly or loosely arranged, that is mesophyll cells। ये बहुत ही important point है, याद रखिए, okay। So Grand's anatomy क्या है, special anatomical feature of C4 plant। ऐसा क्या special है भाई इसमें, इसमें ऐसा है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस वेस्कुलर बंडल के अराउंड में, इस वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड में कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल रिथ होती है। रिथ मतलब क्या है, रिथ ऑफ बंडल शीथ सेल, हम बंडल शीथ सेल को आपसे BSC लिखेंगे, ठीक है, BSC means bundle sheath cell। अब रीथ का मतलब क्या होता है, रीथ means होती है that is the compactly coiling, coiled और compactly covered part, उसे हम कहते हैं रीथिंग, रीथ। क्रांस का मतलब ही होता है रीथ, ओके। तो रीथ मतलब क्या है, पहले जो रोमन और ग्रीक जो राजकुमार या राजा होते थे उनके सिर पर क्राउन हुआ करता था इस तरह का, ओके, सोने का भी हुआ करता था या फूलों का हुआ करता था, ठीक है, या फिर फूलों के शेप दिया हुआ सोने का ऐसा क्राउन हुआ करता था, isn't it? या किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरांजलि देने के लिए जो इस तरह के सर्कुलर जो हार होते हैं उसे रिथ कहते हैं, उसे भी रिथ कहते हैं, ठीक है, ओके। सो इस तरह की, ओके, माला पुराए गए हैं और गोल गोल किया गया है उसे कहते हैं रिथ। तो इसी तरह से वेस्कुलर बंडल को रिथ की जाती है बंडल शीथ सेल के द्वारा। बंडल शीथ सेल ये इस वेस्कुलर बंडल को कॉम्पैक्टली अरेंज करता है, कॉम्पैक्टली कवर करता है, ओके। अगर आप कंपेयर करोगे मेसोफिल टिश्यू और बंडल शीथ सेल को, बंडल शीथ सेल की सेल वॉल भी यहां पर कॉम्पैक्ट ठीक है, देखिए सी, ओके, और लार्ज साइज भी है, दोनों चीजें हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है सारी सेल्स इस तरह से, ठीक है, ओके। देन व्हेन वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड विद बंडल शीथ सेल एंड बंडल शीथ सेल अरेंज विद और कॉम्पैक्टली कवर विद द रिथ और कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मेसोफिल सेल इज कॉल्ड ग्रांस एनाटॉमी। ग्रांस एनाटॉमी क्या है, ग्रांस एनाटॉमी ये स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर है C4 प्लांट का, द स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर ऑफ C4 प्लांट इन विच द बंडल शीथ सेल the rith around vascular bundle, the bundle sheath cell they compactly arrange around the vascular bundle, and this bundle sheath cell they are surrounded with mesophyll cells or mesophyll tissue, ise kahenge Grand's anatomy, okay।
चलो ठीक है, अब इस क्रांस एनाटॉमी का सी फोर प्लांट को क्या सिग्निफिकेंस है, ओके क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर इस मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल के जो कंटेंट है, इसमें जो पाए जाने वाले डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स है, उन स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, इस पर भी कभी क्वेश्चन किए गए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं इनके मेसोफिल टिश्यू और बंडल सीथ सेल जो है इनमें क्या खूबियां हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे एमएससी, एमएससी मींस मेसोफिल सेल्स। ठीक है, हम क्लाइंस एनाटॉमी की फीचर स्टडी कर रहे हैं, सी फोर प्लांट में पाए जाने वाले क्रैंस एनाटॉमिकल फीचर्स। ओके, तो देखिए यहां पर हम मेसोफिल सेल्स के बारे में लिखेंगे, मेसोफिल सेल्स जिसे हम एमएससी नाम देंगे, और नीचे हम यहां बंडल शीथ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट बंडल शीथ सेल। देखिए बंडल शीथ सेल कैसे है, कॉम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल लेयर। ठीक है, देन मेसोफिल सेल्स कैसे हैं, थिक वॉल सराउंडिंग द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करेंगे, वेस्कुलर बंडल को कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा मेसोफिल सेल कैसे है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज थिन वॉल टिश्यू, थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, थिन वॉल सेल्स। ठीक है, पहला पॉइंट। देन सेकेंड वन, बंडल सीथ सेल की अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें इट कंटेन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट है। ओके, अगर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मेसोफिल सेल्स में बंडल सीथ सेल के मुकाबले क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है। ओके, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन बंडल शीथ सेल के मुकाबले मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सी फोर प्लांट है, ओके जो सी फोर प्लांट है, इस सी फोर प्लांट में हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ठीक है, दो डिफरेंट तरह के सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। ओके, कोऑपरेटिव मेसोफिल सेल बंडल सीथ सेल दोनों मिलकर सी फोर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसे सीसीएम भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ये भी कैसे होती है, क्यों होती है, वो यहीं पर आप देख लोगे। ठीक है, तो देखिए सी, तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहां है, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कम है। ठीक है, देन सेकेंड वन, थर्ड वन, क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में भी है और लार्ज साइज भी है। ओके, यहां पर साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब क्लोरोप्लास्ट कम ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट साइज अलग अलग है, मगर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, उसे हम कहते हैं दैट इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्या कहा जाता है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, आपने इसे ड्रॉ किया होगा, थोड़ा सा हम इसे ओके, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट ये क्या चीज है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाय मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है
वो क्लोरोप्लास्ट उसे हम कहते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, उसे हम क्या कहते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, उसमें ग्रैनम प्रेजेंट है। और जो क्लोरोप्लास्ट बंडल सीट सेल में है उसे हम कहते हैं अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या चीज है, यहां पर ग्रैना वेल डेवलप है, यहां पर ग्रैना इल डेवलप है, ग्रैना नहीं के बराबर है। ओके, अगर आप देखोगे यहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट में आपको नजर आएगा ग्रैना। यहां ग्रैनम होंगे, ग्रैनल लैमेली, स्टोमल लैमेली, दोनों तरह की लैमेलीज यहां प्रेजेंट है। ओके, देन यहां ग्रैनल लैमेली एब्सेंट, यहां सिर्फ और सिर्फ स्टोमल लैमेली प्रेजेंट। ओके, यहां सिर्फ स्टोमल लैमेली प्रेजेंट, इस तरह से थैलाकोइडल लैमेली इस तरह से। ओके, ये डिफरेंस है। इसे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रैनम है, यहां ग्रैनास है कई सारे। यहां इसे अग्रैनल क्यों कहते हैं, अमिस अब्सेंस ऑफ ग्रैनम, इसीलिए। फिर जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जहां पर प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, इस ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में देखिए फोटोसिस्टिन फर्स्ट और फोटोसिस्टिन सेकेंड दोनों भी पाए जाते हैं, दोनों भी पाए जाते हैं। मगर अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जहां पर है वहां सिर्फ फोटोसिस्टिन फर्स्ट ही पाई जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि जहां पर देखिए, अब यहां पर जो है हमने पिछली बार जो भी सीखा था, लाइट रिएक्शन, C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ये जो भी हम डिस्कस किया था वो सभी यहां पर लगा देना है, सभी चीजें यहां लगा देनी है। ठीक है, तो देखो, सो यहां इस ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जहां पर है वहां पर क्या क्या प्रोड्यूस होगा, देखिए तो क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उससे क्या क्या बनेगा, ओके, क्या क्या सिंथेसिस होगा। तो जहां ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है वहां पर एटीपी सिंथेसिस होगी, वहां पर NADPH प्लस सिंथेसिस होगा, वहां पर O2 रिलीज होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और जहां पर अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है वहां, जहां सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट है वहां सिर्फ एटीपी सिंथेसिस होगा, ओनली एटीपी सिंथेसिस होगा, वहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा, वहां पर NADPH2 भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना, इसे आगे जाकर हमें और C4 साइकिल अभी हम स्टडी करने वाले हैं थोड़ी देर में, ये सारे पॉइंट यहां पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट यहां मजेदार, और एक दो पॉइंट यहां बता देते हैं आपको। ठीक है, जहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, इसे आपने नोट डाउन कर लेना है, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, देखिए जहां पर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है वहां पर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, यानी एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में इंटर होता है। एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे पहले कहां इंटर होता है, मेसोफिल सेल्स में, इजंट इट। ओके, देन ये इंपॉर्टेंट, यहां जहां बंडल सीट सेल है यहां पर देखिए CCM कहां पर होता है, CCM कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, ये बंडल सीट सेल में परफॉर्म की जाती है। यहां पर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, ओके, सेकेंड CO2 फिक्सेशन ये बंडल सीट सेल में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करने के लिए जो एंजाइम है उसे हम पेपकेज कहते हैं। ठीक है, पेपकेज, सभी एंजाइम के नाम जो है वो लिख कर लेना है, हम आगे रिएक्शन में सभी एंजाइम्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, पेपकेज, फॉस्फोइनॉल पेरिवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पेरिवेट कार्बोक्सिलेज, यहां सेकेंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने वाला एंजाइम है रूबेस्को।
राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ओके, देन अब जहां पर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हुआ है वहां पर एंजाइम पेप्टेज है, और एक बात बता दें आपको, ये जो पेप्टेज है, दिस पेप्टेज इट परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस वेरी इफिशियंटली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमोस्फियर व्हेन 10 ppm, जब 10 ppm भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस समय भी एटमोस्फियर में कम से कम भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तब भी पेप्टेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। ओके, मगर रूबीस को नहीं कर सकता, इसीलिए तो C3 प्लांट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। ओके, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C4 के मुकाबले कम है, क्यों है? पहला पॉइंट, यहां पर पेप्टेज ये लो से लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन रहने के बावजूद भी एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकता है शुगर सिंथेसिस करने के लिए। ओके, मगर C3 प्लांट में रूबीस को नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर ये जो पेप्टेज है, इस पेप्टेज पर यहां ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होकर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इस ऑक्सीजन का इस पेप्टेज पर कोई असर नहीं होगा, इजंट इट? इस पेप्टेज के पास सिर्फ कार्बोक्सिलेशन की साइट है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट नहीं है, याद रखिए, ठीक है। मगर C3 प्लांट में होता क्या है, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ही कम हो जाता है, O2 कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ जाता है, उस समय कार्बोक्सिलेशन जो साइट है, बाइंडिंग साइट है, वो कम, मींस यहां पर ये CO2 और O2 दोनों भी, ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए। ओके, तो रूबीस्को एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो सेम है। ओके ओके, वो सेम साइट पर बाइंड होते हैं। जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तब कार्बोक्सिलेशन होगा, जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम तब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, वहां पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा और फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगी। मैं ये C3 प्लांट के बारे में कह रहा हूं, C4 के बारे में नहीं, याद रखिए। ओके, यानी यहां तो यहां ग्रैनुल, यहां अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है, अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट में O2 होता ही नहीं, इसीलिए रूबीस्को का फोटोरेस्पिरेशन से कोई नाता ही नहीं है यहां पर C4 साइकिल में, C4 प्लांट में, इसीलिए C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई है। ओके, देखिए C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई होने के पीछे क्या क्या राज है। पहला, पेप्टेज प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम जो लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर भी कार्बोक्सिलेशन करेगा, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। दूसरा, ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ये फिक्स कर सकता है, 30-45 डिग्री सेल्सियस पर भी ये अपना काम कर सकता है। ओके, ऑक्सीजन पर भी, ऑक्सीजन का इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन वो ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, मगर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। ओके, इसका मतलब फोटोरेस्पिरेशन नहीं है, इजंट इट? फोटोरेस्पिरेशन नहीं है। तीसरा, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जहां पानी की कमी है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ओके, तो इस वजह से द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट इज वेरी मच हायर। ओके, ये बात हमेशा याद रखिए, C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ये हाई क्यों है, किस वजह से है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं C4 साइकिल, जो मेन पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। ओके, एक बात याद रखना है आपको। ओके, दैट इज C3 साइकिल के समय, फोटोरेस्पिरेशन के समय एक स्टेटमेंट आपने देखी है क्या, रूबीस्को दैट इज द कॉम्पिटिटिव बाइंड विद CO2 एंड O2। ओके, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रूबीस्को ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है किसके साथ, CO2 और O2 के साथ। ओके, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तब डार्क रिएक्शन शुरू रहेगी, तब शुगर सिंथेसिस शुरू रहेगी। ओके, हम C3 प्लांट के बारे में कह रहे हैं, ठीक है।
और जब O2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, उस समय दैट इज फोटो रेस्पिरेशन होगा। ओके, क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होगा। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसी वजह से C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से कई गुना ज्यादा है, याद रखिए। ठीक है, चलिए C4 प्लांट्स ले लीजिए, C4 साइकिल। चलिए, बहुत ही आसान ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं C4 साइकिल। तो जैसे कि हमने आपको बताया, C4 साइकिल जो है, इस C4 साइकिल की क्या क्या खास बात है, ध्यान दीजिए। C4 साइकिल की क्या क्या खास बातें हैं, दैट इज डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ओके, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, मेसोफिल सेल्स और बंडल सीट सेल, दोनों में अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट है। ओके, देन मेसोफिल सेल्स और बंडल सीट सेल, यहां ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ओके, याद रखिए। देन मेसोफिल सेल्स जो है, यहां पर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, यहां पर सेकेंड CO2 फिक्सेशन, यानी कार्बोक्सिलेशन आप इसे कहोगे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ C4 इंटरमीडिएट, C4 साइकिल इंटरमीडिएट कंप्लीट इन मेसोफिल सेल्स, C3 साइकिल कंप्लीट इन दिस वन। ओके, जो फर्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने वाला एंजाइम है, ओके, फर्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम इन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में कौन है, लिख कर लीजिए, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज, ठीक है, यहां सेकेंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करने वाला एंजाइम दैट इज रूबिस्को। रूबिस्को आपको पता है, राइबुलोज 1,5, वन ऑफ द सबसे अबंडंट जो प्रोटीन है या एंजाइम है धरती पर का, अर्थ पर का, वो यही है रूबिस्को। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडंट एंजाइम ऑन दिस अर्थ। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देन ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, ATP सिंथेसिस, NADPH2 सिंथेसिस, O2 इवोल्यूशन। यहां बंडल शीट सेल में होता क्या है, यहां पर सिर्फ ATP सिंथेसिस होती है, यहां पर ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, यहां पर स्टार्च स्टोर किया जाता है। ओके, तो इन पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना, कभी डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के बारे में आपको क्वेश्चन रहेगा तो ये सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो चलिए, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। अगला पॉइंट, C4 साइकिल के सारे इंटरमीडिएट की स्टडी की जाएगी। ओके, और कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं उसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि C4 साइकिल जो है, ये इट कंप्लीट इन टू डिफरेंट सेल, ये दो डिफरेंट सेल में कंप्लीट हो रही है। ओके,
ये है यहां पर ये पार्ट वेस्कुलर बंडल, ओके तो देखिए यहां सी फोर साइकिल में कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे, ओके तो वो रिएक्शन कौन से होंगे उसके बारे में देखते हैं। दिस वन इज द स्टोमेटा, एटमोस्फेरिक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहां पर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर कर रहे हैं, सिक्स CO2, ओके। दिस वन इज द स्टोमेटा, ये जो है इसे हम कहेंगे दैट इज द, व्हाट इज दिस, ये है मेसोफिल सेल्स, इसे हमने क्या कहा, MSC, इसे हमने क्या नाम दिया है, MSC, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और ये क्या है, BSC, दैट इज बंडल शीत सेल। आपने पूरा लिखना है, याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। देन एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए वन बाय वन सभी रिएक्शन यहां पर स्टडी करते हैं, ओके एक बात बता दें कि दो डिफरेंट तरह के यहां पर मैलेट एंजाइम पाए जाएंगे, एक है NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेस और दूसरा NADP मैलेट हाइड्रोजनेस डिहाइड्रोजनेस, ओके। तो उन दोनों के बारे में एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट है, उसे आपने याद रखना है, ठीक है, वो क्या है देखते हैं यहां, ठीक है। चलिए सी, तो सबसे पहली रिएक्शन होती है दैट इज द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखिए फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है, द एटमोस्फेरिक CO2, ध्यान दीजिए यहां पर कई सारे एंजाइम्स के नाम आने वाले हैं और उन एंजाइम्स के नाम को जो है हम यहां पर लिखते जाएंगे, आपने भी उसे लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो हम एंजाइम के नाम की जो लिस्ट है वो यहीं पर आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, द एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एक्सेप्टेड बाय द नेचुरल एक्सेप्टर ऑफ C4 साइकिल, ओके। तो वो कौन है, वो है फॉस्फोइनॉल पैरवेट एसिड, हम यहां पैरवेट लिखते हैं, फॉस्पो इनॉल पैरवेट, ये कौन है, द CO2 एटमोस्फेरिक CO2 एक्सेप्टर ऑफ C4 साइकिल, ठीक है। तो ये एटमोस्फेरिक CO2 को, जो एटमोस्फेरिक CO2 होता है, ये एटमोस्फेरिक CO2 दैट इज एडिनील अनहाइड्रेज, ओके, दैट इज सॉरी कार्बोनील अनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिल अनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो CO2 का कन्वर्जन H2O के साथ मिलकर HCO3- बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करता है, यानी डिसॉल्व करता है उसे, ठीक है। तो एक बहुत ही टिपिकल पॉइंट है यहां पर, ये जो रिएक्शन यहां पर हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आपको पता है कि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है, कहां होती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो यहां पर जो रिएक्शन होने जा रही है, ओके, ये जो रिएक्शन होने जा रही है, ये रिएक्शन हो रही है दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है, याद रखना, ठीक है। चलिए फॉस्फोइनॉल पैरिविक एसिड पैरिवेट, ओके, ये कंबाइन होता है दैट इज फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हम यहां पर फर्स्ट लिखेंगे, दिस वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन जब होगी, कार्बोक्सिलेशन जब होगा, तब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नो डाउट हमने यहां 6 CO2 लिया है, फॉस्फोइनॉल पैरिवेट ये 3 कार्बन है और यहां पर ये 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो 6 3 18,
ओके, यहां बैलेंस देखना है, बैलेंसिंग, ठीक है। देन सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, अब सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और ये सिक्स थ्री जा 18, ओके, और इनके साथ ये मिलकर बन जाएगा, ओके, कितने बनेंगे देखो, 24 टोटल यहां पर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी, तो यहां पर फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ये CO2 एक्सेप्ट करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 एक्सेप्ट करता है, और यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम है पेपकेज, पेपकेज, ओके, पेपकेज मतलब कौन, पेपकेज मींस फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन परफॉर्मिंग एंजाइम, ये फॉर्म करेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, द फर्स्ट एबल प्रोडक्ट दैट कंटेन फोर कार्बन। देखिए CO2 का एक कार्बन, फॉस्फोइनॉल के तीन कार्बन, तीन और एक चार, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, फोर कार्बन, ओके, ये फोर कार्बन है, सिक्स थ्री जा 18, 18 प्लस 6 24, तो इसके भी होंगे 6 फोर जा 24, ओके, ये है फर्स्ट रिएक्शन जिसे हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहें, ठीक है। चलिए सेकेंड वन, अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इट इंटर इनटू द क्लोरोप्लास्ट, कहीं बुक में माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा गया है, दोनों भी चीजें सही है, दोनों भी सही है, वो क्यों, वो अब हम आपको बताएंगे। हमने आपको बताया कि एनएडी मैलेटडीहाइड्रोजनेज और एनएडीपी मैलेटडीहाइड्रोजनेज, ऐसे दो डिफरेंट तरह के मैलेटडीहाइड्रोजनेज है जो यहां पर आप काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, सेकेंड रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलिक एसिड, इनटू मैलिक एसिड। देखिए तो ये जो है ये इंटर होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में इंटर होने के बाद ये करता है क्या, इसका कन्वर्जन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का जो कन्वर्जन है वो मैलिक एसिड में होता है, और मैलिक एसिड जो है यहां पर जो एंजाइम, ये देखिए सेकेंड, सेकेंड हमने सेकेंड नंबर लिखा है, ओके, और यहां पर इस सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी फोर कार्बन है, ये भी फोर कार्बन है, ये सिक्स मॉलिक्यूल है, ये भी सिक्स मॉलिक्यूल है, ओके। देन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा जो क्लोरोप्लास्ट में है वो है NADP मैलेट डीहाइड्रोजनेज, ओके। तो यहां जो एंजाइम है वो होगा NADP मैलेट एंजाइम, मैलेट डीहाइड्रोजनेज, ओके, इज़न्ट इट, ओके। तो ये कैसा है, यहां पर इस सेकेंड रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा यहां पर जगह कम है, ठीक है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर ये सिक्स मॉलिक्यूल है, तो सिक्स मॉलिक्यूल्स जो है NADPH2 जो है ये, isn't it? ये रिड्यूस करते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में, और सिक्स NADP वापस बन जाते हैं, ओके। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलिक एसिड, ओके। तो ये CO2 फिक्सेशन है, ये फोर कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन है, और ये फोर कार्बन कंपाउंड में कन्वर्जन है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, ओके, रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलिक एसिड, ओके। देन अब ये मैलिक एसिड, दिस मैलिक एसिड इट इंटर इनटू द बंडल शीट सेल, BSC, बंडल शीट सेल में ये इंटर होता है, ओके, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो पार्ट है ये क्या है भाई, ये जो पार्ट है ये है ट्रांसपोर्टर प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, ओके, इसे हम यहां लिखेंगे, ये है प्लाज्मोडेस्माटा,
प्लाज्मोडेस्माटा. ओके देन अब नेक्स्ट वन, जब मैलिक एसिड यहां इंटर होगा, व्हेन मैलिक एसिड इंटरिंग हियर, तो मैलिक एसिड यहां क्या करेगा? दिस फोर कार्बन कंटेनिंग मैलिक एसिड सिक्स मॉलिक्यूल्स रियम, ठीक है, ये थर्ड रिएक्शन में जाएगा. ये कहां हो रही है रिएक्शन? ये हो रही है ओ ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल. तो क्या हो रहा है देखिए सी, तो मैलिक एसिड जो है इट अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डी मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डी मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड. ओके इज़न्ट इट? अब इसका ऑक्सीडेशन होगा भाई, ठीक है. देखिए ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, इस मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखिए यहां पर ये दिस वन इज द थर्ड रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन. ओके सो इस थर्ड रिएक्शन में होता क्या है, मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका जो हाइड्रोजन है वो कोई रिसीव करेगा. वो रिसीव कौन करेगा? NADP, और NADP रिड्यूस हो जाएगा किसमें? NADPH2 में. ओके देन इससे रिमूव होगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे? ओके ये अगर वन मॉलिक्यूल होता तो वन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता, ये छह मॉलिक्यूल है इसलिए ये भी छह होंगे, सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव. देन फिर क्या फॉर्म होता? अगर देखो अगर एक मॉलिक्यूल होता तो चार कार्बन से एक कार्बन अलग हो जाता तो तीन कार्बन बनते, तो तीन कार्बन वाला यहां पर बनता पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड. ओके पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड, थोड़ा हम इसे आगे लिख देते हैं. पैरिवेट, ओके याद रखिए. चलिए अगला पॉइंट, अब ये जो पैरिवेट है ये कितने कार्बन होगा? देखिए ये छह मॉलिक्यूल तो ये भी छह होगा और ये भी सिक्स मॉलिक्यूल होगा. ये फोर कार्बन था, एक कार्बन रिमूव हुआ तो ये थ्री कार्बन होगा, तो सिक्स थ्री जा 18, 18 प्लस सिक्स 24, देन सिक्स फोर जा 24, बैलेंस हो गया, ठीक है. ओके देन अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यहां पर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिमूव हुआ है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इंटर इट अंडरगो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. हमने आपको बताया कि C4 साइकिल जो होती है, ये C4 साइकिल में CCM मैकेनिज्म होती है. CCM यानी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म. ओके कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कहां बढ़ाया जा रहा है? बंडल शीट सेल में. क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यहां पर डार्क रिएक्शन C3 साइकिल करने के लिए कौन है? रूबिस्को एंजाइम है. रूबिस्को यहां नहीं है, रूबिस्को यहां पर है. ओके तो यहां पर रूबिस्को एंजाइम है जो इस CO2 का रिडक्शन कर उससे ग्लूकोज सिंथेसिस करेगा और बाद में उसका स्टार्च में स्टोरेज फूड मटेरियल के तौर पर सिंथेसिस होगा. समझ में आ रहा है? ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर रूबिस्को अपना काम कब करेगा? जब उसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी वो एक्टिव रहेगा. Isn't it? तो इसीलिए इस C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की मैकेनिज्म की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म CCM, हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेकर आया है मैलिक एसिड. कहां पर? इन बंडल शीट सेल में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देन ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हो सके.
सेकेंड कार्बोक्सिलेशन कौन करता है? दिस CO2 इट इंटर इनटू द C3 साइकिल। ये C3 साइकिल में इंटर होता है, C3 साइकिल में इंटर होकर ये यहां दैट इज द क्या बनाएगा? ग्लूकोज। वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट वन, तो दैट इज PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसने ये एक्सेप्ट किया। ओके सॉरी, यहां पे RUBP रेबुलोज 1,5 इज फॉस्फेट, ठीक है। देन इसने एक्सेप्ट किया CO2, देन इसने बनाया 3 PGA। ओके फिर यहां से निकले 2 PGA, बाकी के बचे हुए यहां पर चले आए, ठीक है। ओके देन ये 12 मॉलिक्यूल है, ये 6 मॉलिक्यूल है। C3 में हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो यहां पर ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइकिल कंप्लीट होगी, ये एक CO2 आएगा, एक साइकिल होगी, 2 CO2 आएगा, सेकेंड साइकिल होगी, 6 CO2 आएंगी, 6 साइकिल C3 के कंप्लीट होंगे और एक ग्लूकोज बनेगा। ओके एक ग्लूकोज बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको C4 साइकिल जो है ये इसे एक्स्ट्रा CO2 को CO2 का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसे भरपाई चुकानी पड़ती है, इसको कॉस्ट देना पड़ता है, इसे ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, इसे ज्यादा ATP यहां पर खर्च करने पड़ते हैं। ओके इस CO2 को यहां देने के लिए, इस CO2 को यहां देने के लिए यहां पर C3 साइकिल में, isn't it, इस CO2 को यहां देने के लिए C4 प्लांट्स को C4 साइकिल में एक्स्ट्रा ATP देने होंगे। ओके कितने एक्स्ट्रा देने होंगे? एक CO2 के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च करने पड़ेंगे। ओके ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिपिकल पॉइंट है ये, बहुत ही टिपिकल। देखिए आपको पता है कि C3 साइकिल जो होती है, C3 साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो ATP कितने खर्च होते हैं? Isn't it? आपको पता है? ओके देन ATP कितने खर्च होते हैं? दैट इज द केस। देन 3 ATPs आर यूटिलाइज। ओके देन NADP कितने खर्च होते हैं? 2 NADPH2 खर्च किए जाते हैं। ओके ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो C3 साइकिल हो रही है, जो 6 टर्न हो रहे हैं, तो 6 के लिए कितने होंगे? 6 3 18 ATP। ओके देन 6 12 NADPH2, ठीक है। तो जैसे C3 प्लांट में C3 साइकिल के लिए 18 ATPs और 12 NADPH2 ये खर्च कर 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनाया जाता है। ओके मगर यहां पर इस C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसे आपने नोट डाउन करना है। ओके इजंट इट, बंडल शीट सेल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाने के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉस्ट, ये C4 प्लांट जो है ये कीमत अदा कर रहा है 2 एक्स्ट्रा एनर्जी वाले ATP से, ये अपनी कीमत अदा कर रहा है। किस चीज के लिए? CCM के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म के लिए, बंडल सीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP लगते हैं। तो बताओ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने लगेंगे? 12। ओके 12 ATP एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी एक ग्लूकोज के लिए 12 ATP एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 12 और 18 मिलकर हो जाएंगे 30 ATP, यानी इस C4 साइकिल जो है इसका सिर्फ एक छोटा सा एनर्जेटिक ड्रॉबैक है। क्या है? यहाँ ये एनर्जेटिकली इफिशियंट प्रोसेस C3 है, क्योंकि वहां सिर्फ 18 ATP इस्तेमाल होते हैं, मगर यहाँ एनर्जी ज्यादा खर्च की जाती है। एनर्जी क्यों ज्यादा खर्च की जा रही है? सेकंड कार्बोक्सिलेशन को करवाने के लिए, सेकंड कार्बोक्सिलेशन को करवाने के लिए यहाँ पर ATP कहाँ खर्च हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ C3 हो रहा है भाई, आगे आएगा, यहां से आगे आएगा, 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च करने पड़ेंगे। ओके
तो इस तरह से ओके वन सीओ टू फॉर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस दिस सी फोर प्लांट इट कॉस्ट टू मोर एटीपीज फॉर वन सीओ टू फिक्सेशन इन बंडल सीट सेल ओके। तो अभी आएगा थोड़ी देर में, देखिए सी। ओके याद रखिए सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सी थ्री प्लांट में सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 18 एटीपीज और 12 एनएडीपीएच2 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं C4 प्लांट्स जो है यहां पर 30 एटीपीज और दैट इज 12 एनएडीपीएच2 का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ यहां पर 18 ही हो रहे हैं ओके यहां पर ओके ये जो C3 प्लांट में जितने एटीपी लगते हैं उतने ही एटीपी यहां होंगे 18 एटीपीज फॉर 6 CO2 देन 12 NADPH2 फॉर 6 CO2 टू फॉर्म वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है अगला पॉइंट, फिर यहां पर ये मैलेट एंजाइम अपना काम करेगा ओके दैट इज इसका क्या होगा मैलिक एसिड का हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन होने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है ओके डीकार्बोक्सिलेशन के बाद सेकेंड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा इस बंडल सीट सेल में C3 साइकिल कंप्लीट की जा रही है। C3 साइकिल जो है वो बंडल सीट सेल में होती है, C4 साइकिल जो है वो मेसोफिल सेल्स में कंप्लीट होती है, याद रखना। यानी ये जो C4 साइकिल है ये एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली जेनेटिकली तीनों भी मामले में एडवांस है और तीनों भी मामले में ये बहुत ही एडेप्टिव मेकेनिज्म, बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले C4 प्लांट्स में ये पाई जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिए। ठीक है ध्यान दीजिए सी। देन अगला पॉइंट, देन फिफ्थ रिएक्शन पैरुवेट। ये जो पैरुवेट है ये इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये पहुंचता है कहां, इट कम्स बैक टू द मेसोफिल सेल्स। देखिए अभी हमने आपको बताया यहाँ 18 ATPs और 12 NADPH2 है, अब 30 कैसे होते हैं वो यहाँ होगा। ठीक है अब ये जो पैरिवेट यहाँ पर आया है ओके दिस पैरिवेट इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फो। देखो फॉस्फो पैरिवेट यहाँ फॉस्फेट नहीं है, अब इसे फॉस्फेट देना होगा। फॉस्फेट देने के लिए कौन चाहिए, ATP चाहिए। तो यहाँ पैरिवेट 3 कार्बन, पैरिवेट में 3 कार्बन होते हैं ओके ये 6 मॉलिक्यूल है, फिर ये 6 मॉलिक्यूल ये 3 कार्बन है तो इसे एटीपी कितने लगेंगे, हाउ मेनी एटीपी, 6 एटीपी इज यूज्ड बाय दिस पैरिवेट टू कन्वर्ट इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पैरिवेट ओके। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है बहुत ही टिपिकल रिएक्शन, याद रखिए जो फिफ्थ वाली रिएक्शन है यहां पर, ये देखिए हम यहां फिफ्थ लिखते हैं ओके। यहां पर एक बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम यहां पर काम करता है और उसका नाम है ओके पैरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। देखिए पैरुवेट फॉस्फेट डाई काइनेज ओके। तो रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन का नाम है फॉस्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू पैरुवेट, फॉस्फोरिलेशन ऑफ पैरुवेट ओके। पैरुविक एसिड का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, इसे एटीपी अपना फॉस्फेट दे रहा है, ये बहुत ही टिपिकल है। ध्यान दीजिए बहुत ही ये टिपिकल रिएक्शन क्यों है, ये टिपिकल रिएक्शन क्यों है ध्यान दीजिए। क्या नाम है भाई वहां पापड़ी के, ठीक है देखिए PPDK कौन है ये पैरुवेट फॉस्फेट डाई काइनेज। ओहो डाई मतलब दो, काइनेज मींस एटीपी, एटीपी एटीपी का इस्तेमाल जहां जहां, काइनेज वहां वहां। एंजाइम में काइनेज नाम कहां होता है, देखो हेक्सोकाइनेज
है कि नहीं, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। ओके, जहां काइनेज है वहां एटीपी से फॉस्फेट ट्रांसफर किए जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पेरीवेट पेरीवेट फॉस्फेट डाई काइनेज टिपिकल एंजाइम है, दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है। इसका रोल क्या है देखिए, ये जो एंजाइम है, इस ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम पेरीवेट का कन्वर्जन फॉस्फोइनोल पेरीविक एसिड में कर रहा है, और इस रिएक्शन के समय जो काइनेज एक्टिविटी होती है वो डबल। कैसे डबल, यानी इस रिएक्शन में पेरीविक एसिड से फॉस्फोइनोल पेरीविक एसिड में, ध्यान दीजिए, एक पेरीविक एसिड को एक फॉस्फोइनोल पेरीविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन फॉस्फोइनोल पेरीविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए दो एटीपी लगते हैं, टू एटीपीस, एक्स्ट्रा एटीपीस, वन एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने आपको बताया ना कि यहां पर कीमत चुकाई जा रही है, दो एटीपी के किस्ते चुकाए जाते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को यहां देने के लिए, और ये किस्ते कौन चुका रहा है, यहां पर चुकाए जा रहे हैं। समझ में आया? ओके, अगर ये नहीं होता तो वहां इस्तेमाल के लिए एटीपी नहीं होता, मतलब वहां एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता अगर ये नहीं होता। ओके, हमें और एटीपी की जरूरत नहीं होती अगर तुम ना होते, अगर सेकंड कार्बोक्सिलेशन ना होता। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक पैरेविक एसिड के लिए दो एटीपी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो यहां कितने पैरेविक एसिड है भाई, सिक्स है, सिक्स पैरेविक एसिड है, तो यहां कितने हो जाएंगे, 12, यहां कितने हो जाएंगे, तो 12 एटीपी यहां इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल पॉइंट है। ओके, हम यहां पर बता देते हैं आपको, आपने इसे नोट डाउन किया होगा, देखिए कैसे, किसी भी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर कोई सब्सट्रेट है और उस सब्सट्रेट का अगर एटीपी के साथ अगर उसका कंडेंसेशन हो रहा है, उसकी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है और एडीपी सेपरेट हो जाता है, एडीपी सेपरेट होता है। मगर यहाँ क्या सेपरेट हो रहा है, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ एडीपी। ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है, मगर ये रेयर रिएक्शन है। ओके, यहां पर एएमपी, यहां पर एएमपी, यहां पर क्या हो रहा है, एटीपी आ रहा है, एएमपी जा रहा है। जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है, एटीपी आता है, एडीपी जाता है। ओके, इसंट इट, फॉस्फेट दे दिया जाता है सबस्ट्रेट को। ओके, मगर जब यहां पर ये एटीपी जब किसे दिया जा रहा है, जब एटीपी पैरविक एसिड को दिया जा रहा है, ओके, और यहां पर बन रहा है क्या, एएमपी प्लस फॉस्फोइनोल पैरविक एसिड, पेपा, फॉस्फोइनोल पैरविक एसिड, पेपा। फिर ये जो एएमपी है, ये जो एएमपी है, ये एएमपी की जो रिएक्ट, ये इस एएमपी की जो पावर है वो दो एडीपी के बराबर है, ऐसा कहा जाता है। तो इस एएमपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, इसे फॉस्फेट देने के लिए एक्स्ट्रा एटीपी को खर्च किया जाता है। देखिए, यानी ये स्टेप, यहां पर की जो स्टेप है, ये जो स्टेप नंबर 5 है, इस स्टेप नंबर 5 को करने के लिए एक एटीपी यहां पर खर्च हो रहा है और दूसरा एटीपी एएमपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है। Isn't it? तो इस तरह से टू मोर एक्स्ट्रा एटीपीज इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड इन बंडल शीट सेल। ओके, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे तो 12 एटीपी लगेंगे, इसीलिए C3 साइकिल में होते कितने हैं, 18 एटीपीज यूटिलाइज किए जाते हैं, 12 NADPH2 यूटिलाइज किए जाते हैं, और ये 12 ATP रिएक्शन नंबर 5 से यहां मिला हो गए, तो 12 प्लस 18 हो गए कितने, 30। यानी इस पॉइंट को आपने, इस एनर्जेटिक रिएक्शन को आपने याद रखना है। ओके,
इस एनर्जेटिक रिएक्शन को आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए 30 एटीपी इस्तेमाल किए जाते हैं और 12 एनएडीपीएच2 का इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे सर यहां पर तो एनएडीपीएच2 और भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर ये नील हो रहा है, यहां एनएडीपीएच2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां एनएडीपी का रिडक्शन हो रहा है, यहां ब्रेकडाउन, यहां सिंथेसिस, दोनों मिलकर हो गए नील। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर हम C3 साइकिल से कंपेयर करेंगे, C3 साइकिल से अगर हम C4 साइकिल को कंपेयर करेंगे, यहां C4 साइकिल में कितने एक्स्ट्रा ATP इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं? 12 एक्स्ट्रा ATPs इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सलिक एसिड इनटू मैलिक एसिड, देन बंडल सिस्टम में मैलिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू रिलीज CO2, CO2 इंटर इनटू द C3 साइकिल, सिंथेसाइज द ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट, देन ग्लूकोज सिंथेसिस ऑकर्स इन BSC, C3 साइकिल ऑकर्स इन BSC, देन पाइरूवेट री इंटर बैक इनटू द रिटर्न इनटू मींस कम्स इनटू मेसोफिल सेल, देन इन मेसोफिल सेल पाइरूवेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। नाउ इट इज रेडी टू एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये था C4 साइकिल। C4 साइकिल की प्रोडक्टिविटी ये C3 साइकिल से ज्यादा होती है, C3 प्लांट से ज्यादा होती है। क्यों? ये टेम्परेचर टॉलरेंट है, ये लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन पर भी ये डार्क रिएक्शन कर सकते हैं। देन थर्ड वन, यहाँ पर ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ये अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज 30-45 डिग्री सेल्सियस पर भी ये डार्क रिएक्शन करते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रैंज एनाटॉमी इनमें शो करती है। ओके, क्रैंज एनाटॉमी इनमें शो करती है। ओके, क्रैंज एनाटॉमी शो होती है जिसमें के जहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर मेसोफिल सेल्स में है, मगर वहां रूबिस्को नहीं है, वहां रूबिस्को नहीं है। ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मेसोफिल सेल्स में, मगर वहां रूबिस्को नहीं है। देन बंडल सेल में अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है, तो यहां पर वाटर, यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, रूबिस्को को कोई ऑक्सीडेशन से नुकसान नहीं होगा, यहां ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा, इसीलिए रूबिस्को अपना फोटोरेस्पिरेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो C4 साइकिल की जो, दैट इज C4 साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर निग्विजिबल है, जिस वजह से C3 प्लांट के डबल टिबल यहाँ पर क्या होती है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पर ये C4 साइकिल समाप्त होता है। कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पेपर है, उसमें से हम कई सारे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम स्टडी करेंगे।